हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास। ये हमारा ईवीएस सब्जेक्ट है और ये हमारी ईवीएस की बुक है आवर नेचुरल वर्ल्ड। ठीक है, आज हम लोग ईवीएस पढ़ेंगे और ईवीएस में फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीटेड एंड सेकंड चैप्टर ऑलरेडी वी आर रीड एंड एक्सरसाइज ए बी C and D already finished and question answer भी B के finish हो चुके हैं, है ना। and हम लोग आज words से question answer करेंगे। words में high order thinking skills, है ना, question है ये। चलिए हम लोग start करते हैं question answer। first question देखिए, आप लोग सभी लोग ध्यान से देखेंगे। first question हमारा है how is sleep beneficial for good health। क्वेश्चन फर्स्ट, हाउ इज स्लीप बेनिफिशियल फॉर गुड हेल्थ, मतलब अच्छी सेहत के लिए नींद कैसे फ़ायदेमंद है, मतलब कैसे नींद हमारी फ़ायदेमंद है जिससे हमारी अच्छी सेहत बनती है। ओके, आंसर देखिए, स्लीप गिव्स कंप्लीट रेस्ट टू आवर बॉडी एंड ब्रेन। स्लीप में सोना गिव्स कंप्लीट रेस्ट, सो हमारे शरीर को, पूरे शरीर को आराम मिलता है सोने से, है ना, और हमारे ब्रेन को भी, मतलब हमारे दिमाग को भी। इसका मीन्स होगा सोने से हमारे शरीर और हमारे दिमाग को आराम मिलता है। ओके, इट रिफ्रेशेस अस एंड मेक्स अस हेल्दी फॉर द नेक्स्ट डे। क्या है, इट रिफ्रेशेस अस एंड मेक्स अस हेल्दी फॉर द नेक्स्ट डे। यह जो है हमें तरोताजा रखता है, तरोताजा करता है और अगले दिन के लिए स्वस्थ बनाता है। जैसे नेक्स्ट डे हम लोग अच्छे से कार्य को कर सके कोई भी, है ना। जब हम लोग हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तभी तो हमारा दिमाग काम करेगा, है ना, और हमारा बॉडी भी अच्छे से काम करेगा, है ना। तो क्या है, इट रिफ्रेशेस अस एंड मेक्स अस हेल्दी फॉर द नेक्स्ट डे। ओके, देखिए यहाँ पे बॉय कितने अच्छे से सो रहा है ना, ऐसे आप लोग भी सोते हैं, है ना। ओके, मतलब कि क्या है, सोने से हमारे शरीर को और मतलब हमारे दिमाग को आराम मिलता है, है ना, और हमें जो है यह रिफ्रेश करता है, यानी तरोताज़ा करता है अगले दिन के लिए और हमें फिट यानी स्वस्थ बनाता है। ठीक है, हमें अच्छा बनाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं, स्टेट थ्री थिंग्स दैट वी शुड नेवर डू। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, स्टेट थ्री थिंग्स दैट वी शुड नेवर डू। ऐसी तीन चीज़ें जो हमें कभी नहीं करनी चाहिए, क्या है, फर्स्ट है देखिए आंसर टू, वी शुड नेवर बाइट आवर नेल्स। वी शुड नेवर बाइट आवर नेल्स। चलिए मेरे साथ आप लोग फिर से बोलिए आंसर, सभी लोगों को बोलना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मेरे साथ आप लोग बोलेंगे, वी शुड नेवर बाइट आवर नेल्स। हमें कभी भी अपने नाखूनों को बाइट नहीं करना चाहिए, मतलब कि चबाना नहीं चाहिए या अपने हाथों से काटना नहीं चाहिए, है ना। चलिए देखिए, वी शुड नेवर बाइट आवर नेल्स। ओके, आप लोग ऐसा नहीं करते हैं ना, आप लोग तो गुड बॉय एंड गुड गर्ल है ना। ओके, ऐसा करने से क्या होता है, हमारे हाथों में प्रॉब्लम हो सकती है और हमारे हाथों जो है हरदम तो धुले नहीं रहते, ऐसे मुंह में डालने से इन्फेक्शन भी हो सकता है ना। इसलिए कभी भी हमारे दांतों को ऐसे दांतों में फिंगर को डालना नहीं चाहिए, प्रॉब्लम भी हो सकती है हमारे दांतों में भी और हमारे फिंगर में भी। देखिए कैसे ये कर रहा है, देखिए ये बॉय है कैसे अपने दांतों को चबा रहा है ना, तो हमारे नेल्स भी ख़राब होते हैं और हमें इन्फेक्शन होने का डर भी रहता है ना। चलिए पॉइंट टू है, वी शुड नेवर स्पिट ऑन द फ्लोर। वी शुड नेवर, मतलब हमें कभी नहीं करना चाहिए स्पिट। स्पिट मीन्स क्या होता है, थूकना, है ना, ऑन द फ्लोर यानी फ्लोर के ऊपर, यानी कि फ्लोर मीन्स क्या होगा, फर्श के ऊपर। ठीक है, ऐसे करने से क्या होगा, हमको तो, हमें तो जो होगा प्रॉब्लम है, हमें हमारे आसपास के लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा और बहुत दिक्कत होती है ना, इन्फेक्शन भी होने का डर रहता है। देखिए यहाँ पे कैसे वो है स्पिट कर रहा है और देखिए बगल में वो अंकल को कैसे प्रॉब्लम हो रही है ना, ऐसे ही और लोगों को भी दिक्कत होती है ना। तो ये कभी भी नहीं करना चाहिए, इट्स वेरी बैड मैनर। ओके,
चलिए अब हम लोग पॉइंट 3 पढ़ते हैं, वी शुड नेवर लिक आवर फिंगर्स आफ्टर ईटिंग। बहुत से लोग होते हैं ना, मतलब खाना खाने के बाद अपनी फिंगर को ऐसे लिक करने लगते हैं। लिक मीन्स होगा यहाँ पे चाटना है ना फिंगर्स को, ठीक है। तो ये जो है बैड मैनर में आता है, इसलिए हमें जो ऐसा नहीं करना चाहिए। वी शुड नेवर लिक आवर फिंगर्स आफ्टर ईटिंग, मतलब हमें खाना खाने के बाद कभी भी अपनी फिंगर को लिक नहीं करना चाहिए। ओके, इसमें देखिए हम आपको एक पिक्चर दिखाएंगे। देखिए गर्ल कैसे कर रही है, लिक कर रही है ना अपनी फिंगर को। यहाँ पे ये ईट कर रही है, अपनी मुँह खाना खा रही है और अपनी फिंगर को लिक कर रही है। तो इट्स अ वेरी बैड मैनर। ओके, चलिए आज जो है हम लोगों ने फिर से क्या पढ़ा, देखिए हम लोगों ने पढ़ा है क्वेश्चन फर्स्ट, फिर से हम लोग रिवाइज करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट हमारा है हाउ स्लीप बेनिफिशियल फॉर गुड हेल्थ। आंसर होगा स्लीप गिव्स कंप्लीट रेस्ट टू आवर बॉडी एंड ब्रेन, इट रिफ्रेशेस अस एंड मेक्स अस हेल्दी फॉर द नेक्स्ट डे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट 3 थिंग्स दैट वी शुड नेवर डू। आंसर होगा फर्स्ट, वी शुड नेवर बाइट आवर नेल्स, वी शुड नेवर स्पिट ऑन द फ्लोर, वी शुड नेवर लिक आवर फिंगर्स आफ्टर ईटिंग। ओके, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड, आई थिंक ऑल स्टूडेंट आस्क्ड अंडरस्टैंड। तो हम लोग आज इतना ही पढ़ेंगे एंड अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, आप लोग इसे अपनी कॉपी में राइट करेंगे और इसे लर्न करेंगे, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही, बाय एंड टेक केयर।